फाइनल मेरा बना, फाइनल मेरा रहा। ये ठीक हेलो गाइस, दिस इज अविनाश एंड यू आर वाचिंग एई मीडिया ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने अपना पिछला वीडियो छोड़ा था, तो वहाँ से हम वापस से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने कहा था, अगर जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो जाके पिछला वीडियो पहले देखें, क्योंकि उसमें मैंने मतलब पहला स्टेप वो पहला पार्ट था इसका, तो ये दूसरा पार्ट है उसका, जिसके आगे हम लोग बताएंगे जो क्या कर रहा था मैं यहाँ पे। नॉर्मली जो हमारा मैग्नस मीडिया था उसकी जेपी मॉर्गन एक वीडियो है, उसका हम लोग जेपी मॉर्गन वीडियो का रिक्रिएशन या फिर रिवील कर रहे थे कि मतलब कैसे क्या क्या लेयर्स क्या क्या है सब बीच बीच में, तो वो सब जेपी मॉर्गन तो यहाँ तक बना लिया था। फिर इसके बाद ही हमको करना था याद, तो शुरू करते हैं उसको। तो हम लोगों ने लगभग ये बना लिया था, ठीक। अब इसके आगे करते हैं, इसके आगे हम क्या था नॉर्मली मेरी इसके बाद ये ट्रांजिशन थी, तो ट्रांजिशन हम यूज करेंगे। ट्रांजिशन मेरे पास पहले से हैं जो कि मैंने यूज किए हैं, तो फायर की ट्रांजिशन है ये, मैं देखूंगा ड्राइव में अपलोड भी कर दूंगा सर। तो ये ठीक है, ये ले लेते हैं हम, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब इसको ऊपर रख लो और फिर यहाँ से इसके बाद से इन्फ्लुएंस के बाद से यहाँ पे हम कट मार देंगे। हाँ, तो इसके बाद से हमारा कट होगा, तो ट्रांजिशन हम रख देते हैं यहाँ पे और इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं चाहिए ना हमको, तो स्टार्ट कर ली। ठीक, तो ये है। अब इसको क्या करें कि हम स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड का चेंज कर देंगे और इसको हम यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे ये पूरा कवर कर रहा हो इसको। और वेट इसको हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये ट्रांजिशन। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करके हम इसको फिर वर्टिकल कर देंगे तो ये ऊपर से नीचे आएगा, तो मेरा ये आ रहा है। ठीक, ट्रांजिशन थोड़ा तेज हो गई है, इसको और कम कर देंगे, 60 70 पे कर। तो ये वही, फिर रुको यहाँ पे इन्फ्लुएंस आया, फिर इसके बाद ये हमारा चलेगा। तो ये हुआ हमारा। अब यहाँ पे जहाँ हम एक कट ढूंढेंगे जहाँ पे पूरी तरीके से कवर कर रहा है, तो यहाँ पे कवर कर रहा है, तो यहाँ पे कट अपनी यहाँ पे वो वाली एनिमेशन एंड कर देनी थी, फिर दूसरी एनिमेशन चलानी थी, तो हम जितनी भी लेयर अपनी यहाँ से काट देंगे यहाँ। और पार्टिकल्स तो चाहिए ही चाहिए हमको, तो जो बेसिक चाहिए वो रखेंगे, बाकी सब हम हटा देंगे यहाँ से। तो हमको ये चाहिए था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने पिछली वीडियो में जो था हमारा बैकग्राउंड बनाया था, और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी हो ये वीडियो देख रहा था वो देख तो लेना, क्योंकि क्योंकि वहीं से मैंने स्टार्ट किया, तो ये मतलब उसका पार्ट है सिर्फ। तो इसको हमने हाइड रखा था, इसको हमने ऑन रखा था। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम वीडियो में क्या है, इनके बैकग्राउंड में यहाँ ब्लैक एंड वाइट है, तो हम ब्लैक एंड वाइट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज करूंगा इसमें नॉर्मल अपना नॉर्मल एन इन्फ्लुएंस जेपी मॉर्गन हैड इट ऑल। ठीक, तो इसकी जगह पे ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसको सेट कर लेंगे पहले, इसको तब तक के लिए हाइड कर दो, और फिर हम अपने पहले तो एसेट ले लेते हैं, एसेट कर लेंगे वीडियो बना से पहले जो जो उनको यूज चाहिए होते हैं। तो मैंने ये ले लिया, एकदम सेम एसेट तो मिल नहीं पाएंगे कि जो उन्होंने यूज किए होंगे, ढूंढना पड़ेगा। तो अपनी चॉइस के हिसाब से तुम मेनली तुमको स्टाइल देखनी रहती है कि क्या स्टाइल है। ये हो गया मेरा। फिर इसके बाद मनी, ये हो गई हमारी।
ये हम ना इसको 3D में कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ठीक। ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन पकड़ देंगे, तो ये कुछ ऐसे हो गई। फिर उसके हम आप देखेंगे ये ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे जेपी मॉर्गन एडिट ऑल, तो टेक्स्ट जो भी यूज़ करना हो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे उसको। तो मैं क्या करूँगा, जो पहला ही टेक्स्ट था मैं वही यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। टेक्स्ट के लिए तो बार बार बताने का कोई मतलब नहीं, टेक्स्ट वही जो हमेशा यूज़ करेंगे वैसा ही हमेशा यूज़ करेंगे। जो पर जेपी मॉर्गन यहाँ लिख दिया, कैरेक्टर में जाके इसका बिल्ड इसका कलर चेंज करके येलो रख दो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैमरा मूवमेंट हो रहा है हमारा, तो कैमरा भी मूव करने के लिए हम यहाँ पे एकदम एंड पे जहाँ पे मेरी एनिमेशन ख़त्म हो रहा है इस वाले का, वहीं पे हम कट लगा लेंगे अपने कैमरा पे। मतलब अलग अलग कैमरा मूवमेंट के स्टाइल होते हैं, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ इसलिए मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, कट कर लिया कैमरा, और यहाँ पे मैंने अपनी की फ्रेम्स ऐड कर लिए। तो यहाँ ये फाइनल की फ्रेम रहेगा मूवमेंट के बाद, तो ये मैं इसको पीछे कर दूंगा। और क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर दूंगा, मतलब एक्सेस जी एक्सेस में बढ़ा दूंगा आगे, जैसी भी मूवमेंट आपको चाहिए होगी, जैसी भी कैमरा मोशन चाहिए होगा हमको। तो ऐसा हमने कुछ कर दिया, और फोकस डिस्टेंस मेरी, फोकस डिस्टेंस हमेशा याद रखना, फोकस डिस्टेंस जो हमारी रहती है, फोकस डिस्टेंस हम क्या करते हैं, पीछे ब्लर करने के लिए करते हैं। जैसे वो फोकस डिस्टेंस हम फोकस करने के लिए, अपर्चर हम पीछे ब्लर करने के लिए। जैसे कि मुझे ये ब्लर करना है और फोकस मुझे इस पे रखना है, तो हम क्या करेंगे, अपना जो मेन हम ये आगे कर लेंगे, या फिर हम मनी पे फोकस करना है तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर फोकस डिस्टेंस या अपर्चर पे मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मेन मैं मोशन पे आ रहा हूँ। और फोकस डिस्टेंस चेंज करते रहेंगे, जैसे कि फोकस डिस्टेंस लास्ट में मेरी मुझे चाहिए कि यहाँ पे मेरे जो मॉडल है उस पे रहे, और थोड़ा सा ब्लर आए हल्का सा पीछे, तो अपर्चर में बढ़ा दूंगा यहाँ पे, ठीक। तो कुछ एनिमेशन ऐसा बन गया, लेकिन स्मूथ नहीं है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, F9 करके इजी कर देंगे। फिर उसके बाद ग्राफ पे हम आएंगे, ग्राफ पे थोड़ी सी ट्विकिंग करेंगे। इस ग्राफ के बारे में भी बताऊंगा आगे कभी, मतलब जब सिर्फ ग्राफ की बात होगी। तो कुछ ये ऐसा एनिमेशन बन गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एंड वाले की फ्रेम उठा के हम पीछे कर देंगे, जिससे एक स्मूथ मोशन हो जाएगा। थोड़ा सा ये स्लो हो गया, तो हाँ बस ऐसा आता हुआ। अगर तुमको चाहिए कि 20 से आए, तो 20 से भी कर सकते हो, जिसमें यहाँ से 20 से होते हो आएगा तो उसको थोड़ा सा पीछा करना पड़ेगा, और ये भी बन जाएगा, है ना। ये हो गया, इसमें क्या था, यही सब था। और ऊपर से थोड़ी सी फायर पार्टिकल चल रहे हैं, तो फायर पार्टिकल्स भी लगा देते हैं। ये रहे मेरे फायर पार्टिकल्स, ये सारे इन्वर्टर से ले हुए हैं, तो मैं ट्राई करूंगा, देखूंगा फ्री वर्जन जो है अवेलेबल कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे इसको स्केल करके हल्का सा स्क्रीन एंड इट्स डन नाउ। तो ये रे वो हो गया उस हिसाब का, थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी मगर कम कर देंगे तो लगभग मैच हो जाएगा। अब इनके में क्या है, हमारे में मतलब क्लियर इमेजेस है, इनके में अगर यहाँ पे देखे तो इनके में अगर देखोगे यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा मतलब ब्लर या नॉइजी टाइप का है, तो वो तो मुझे नहीं समझ आ रहा नॉइजी क्यों था यहाँ पे, जैसे ये अजीब सा थोड़ा लग रहा है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो मैंने अपना कैरेक्टर नॉर्मल रखा है जो मॉडल है मेरा। तो ये हो गया यहाँ पे इस, और जो ट्रांजिशन थी मेरे, मैंने ऊपर लेयर कर दी, उसको नॉर्मल रखा, तो मेरा कितना बन गया,
ये थोड़ा सा कैमरा की जो की फ्रेम है मैं आगे कर देंगे, क्योंकि एकदम से लग रहा है वो ट्रांजिशन शुरू हो रही ना, तो आप सही है। और अंदर करेंगे इसको थोड़ा थोड़ा सा, जिससे मूवमेंट हल्की पता चले। गलत कर दिया, ये वाला है, इसको जी एक्स पोजीशन को अंदर इस साइड ले आओ, हाइड कर लो और देख लो, ये रहा कैमरा, और इसको अंदर की साइड कर दो मस्त एकदम अच्छे से। अब सही है, तब आएगा है ना, तो अब आ रहा है। तो देखना कुछ कुछ इस तरह का बनाइए यहाँ पे। अब की फ्रेम्स को थोड़ा सा आगे कर दो है ना, ये हो गया। अभी यहीं पे इसमें क्या है, थोड़ा सा देखोगे तो इसमें हल्की सी कैमरा मूवमेंट है, कैमरा शेक ब्लर है, तो वो लास्ट में हम लोग जो कैमरा शेक है वो ऐड कर देंगे। अब ये हो गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या यूज किया, ये फिर लाइट ट्रांजिशन, फिर मेरी ये, ठीक तो ये भी बना लेंगे। तो मेरा यहाँ से यहाँ तक ये बना, आप इसके बाद हम लाइट ट्रांजिशन करेंगे। तो लाइट ट्रांजिशन मैंने इंपोर्ट कर ली, और मैंने इसको ट्रांजिशन तो ये मतलब रहेंगी, जैसे कि लाइट लीक्स भी यूज़ कर सकते हो, जो कि नॉर्मली हमारा एलिवेशन कंपोजर में मिल जाती है, तो वो भी यहाँ पे ट्रांजिशन में लाइट लीक्स होती हैं, जो कि दो हैं ट्रांजिशन लाइट लीक्स की, एक ये और एक ये, तो ये भी यूज़ कर सकते हो। और जो कस्टम अपनी चाहिए तुम, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो कस्टम मुझे चाहिए थी यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा अलग टेस्ट जो यहाँ मतलब जो यहाँ पे यूज़ हुई है थोड़ी सी अलग थी। इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे, और ये हुआ, यहाँ पे कट आएगा ठीक, यहाँ पे इस पॉइंट पे कहाँ पे कट आ रहा है, यहाँ पे कट होना चाहिए यहाँ पे। अगर हम इसको नॉर्मल पे रखें तो मेरा ब्लैक हो जाएगा, लाइटन पे रखें तो कुछ ऐसा होगा, स्क्रीन पे सही रहता, स्क्रीन पे ही अच्छा लगता है। तो ये मेरा यहाँ पे मेनली मेरा यहाँ पे सही हो रहा है ठीक। तो यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे अपना, इस पे ये मार्क यहाँ पे ठीक। अब यहाँ से फिर हम इस लेयर को कट कर देंगे जो हमको नहीं चाहिए, तो मैंने ये दो लेयर हटा दी। अब इसके आगे जेपी मॉर्गन वाली भी टेक्स्ट क्लियर भी हम हटा देंगे यहाँ से, ये मैंने टेक्स्ट क्लियर हटा दी। अब इसके आगे, अब इन्होंने यहाँ पे क्या है, इनके में नॉर्मल पीछे जो पार्टिकल चल रहे हैं, स्पार्क पार्टिकल्स टाइप के फार पार्टिकल्स, तो ये चल रहा है इनके में। तुम बैकग्राउंड में कुछ भी यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, मेनली बेसिक हमारा जो सब्जेक्ट है ये है। तो इन्होंने क्या किया है, थोड़ी देर के लिए बस है ये इमेज यहाँ पे। हाँ तो एक पीछे बिल्डिंग है मनी है, और ये हमारा एक बैनर टाइप का है स्टील स्टील टेक्सचर का। तो मैंने क्या किया, जो स्टील का टेक्सचर था वो मैंने ले आया, इसको 3D में किया ठीक है, इंपोर्ट कर लिया और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, सॉरी आगे नहीं बढ़ाएंगे इसको, हम इतना ही रखेंगे बस। इस पे क्या करेंगे, मास्क लगा, ओह सॉरी, स्केल इसकी हम थोड़ी सी चेंज कर देंगे, जैसे कि स्केल मैंने ये कर दी ठीक। चेन ये जो होती है ये वाली हटा देंगे, और फिर इसके बाद हम इसको अपने हिसाब से स्ट्रेच कर देंगे, जिससे ये ऐसे, क्योंकि हमको वो मतलब टाइटल दिखाने के लिए करना है, तो वो इतना मेरे वो हम हटाए या ना हटाए ऐसे कोई मेन फर्क नहीं आएगा इसका डायमेंशन चेंज करने से। तो मेरा ये हो गया, उन्होंने नहीं यूज़ किया है वो। तो हम लोग यहाँ पे भी अपना बैकग्राउंड हाइड कर देंगे कुछ टाइम के लिए, डिलीट नहीं करेंगे, डिलीट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको आगे वो यूज़ आएगा। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी डी से नॉर्मली कट कर देंगे, और पूरा कट हो गया मेरा, सिर्फ दो लेयर अपनी इसको कट कर देंगे, और यहाँ पे इतने इन दोनों को हाइड मार देंगे ठीक। तो मेरी प्लेन बैकग्राउंड हो गया। अब हमको सिर्फ पीछे फायर पार्टिकल चाहिए, पार्टिकल्स तो फायर पार्टिकल्स लगा देंगे, ये हो गए, पीछे सिर्फ फायर पार्टिकल चल रहा है मेरा ठीक। अब
इसको 3D कर लेते हैं और ये मेरा कुछ ऐसा हो गया। इस पे हम लोग थोड़ा सा हल्का सा इसको ग्लो देंगे, हल्का सा बस, रेडियस बढ़ा के हल्की सी ऐसी, ठीक है ना, जिसे थोड़ा सा ग्लो कर जाएगा ये। ठीक, ये ग्लो हो गया। अब इसके बाद हमारी बिल्डिंग और मनी, तो मेरी बिल्डिंग, मैंने बिल्डिंग कौन सी, यहाँ तो मैंने बिल्डिंग ये यूज़ कर ली। ठीक, बिल्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है वो, बिल्डिंग तो बिल्डिंग होती है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा इसको, स्केल करूँगा थोड़ा सा, इतना, तो इनके में क्या हुआ है, ये इतनी स्ट्रेच है कि ये ऐसे दिख रहा है। ठीक, ऐसे अब सही है। तो ये बिल्डिंग मेरी ऐसे दिखनी चाहिए, ये हो गई। ठीक, सेटअप कर लिया मैंने, मेरी टेंशन यहाँ तक थी, यहाँ से हम दोनों चीज़ों को कट कर देंगे, हो गया मेरा ये। ठीक, टेंशन को ऊपर कर दो, तो लगभग मैंने बैठा लिया इसको उस हिसाब से। थोड़ा सा बिल्डिंग को मगर प्लेसमेंट अच्छा कर देंगे, जैसे कि थोड़ा सा इस साइड और ये, तभी सही लग रहा। ये फिर मास्क करके सिर्फ इतना भी पार्ट दिखा सकते हैं, जैसे कि इन्होंने इनकी ये पार्ट में, इनके में ऐसे टिल्ट हुई है, तो वो भी हम करेंगे, देखो कैसे। अब यहाँ पे कैमरा फिर से हम एक बार कट कर लेंगे। ठीक, यू दबाएंगे, की फ्रेम अपने ले आएंगे, यू से सारे अपने की फ्रेम जितनी होती हैं एनिमेशन, ये मैंने डिलीट किया और ये मैंने इतनी की फ्रेम ले ली अपनी, तो मेरी की फ्रेम यहाँ पे सेट है, तो इनको छेड़ेंगे नहीं, इनको हम क्या करेंगे, आगे कर देंगे और डिलीट कर देंगे, फिर इनसे आगे कर देंगे और यहाँ पे अपना डिफॉल्ट ले लेंगे एक। ठीक, मतलब ऐसे ही नॉर्मल की फ्रेम बना लेंगे, किस लिए एनिमेशन रोकने के लिए, पिछले वाले में एनिमेशन बना था ना, यहाँ पे हम टोगल होल्ड कर देंगे, बस यहाँ पे एनिमेशन रुक गया मेरा। यहाँ पे नई की फ्रेम बनाई हमने, इसको F9 कर दिया। ठीक है, पहले से ट्रांजिशन बंद कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये हमको यहीं से चाहिए, तो ये हम पीछे कर देंगे। अब यहाँ पे हम एनिमेशन कर देंगे अपना, कैसा एनिमेशन हो रहा है यहाँ पे, जिसमें हमारा यूं थोड़ा कि दिखा बताता हूँ कैसे, यूं ऐसे ऐसे हो रहा है, जिसमें कैमरा मेरा फ्रंट से देखता हूँ, हाँ लेफ्ट से, लेफ्ट व्यू से, तो मेरा कैमरा कुछ ऊपर दिखा रहा है, तो मैं ये ऐसे, ये चीज होगी ना, तो यहाँ पे ये और ये, तो अब ये आएगा ऐसे, ठीक है ना, ये आएगा ऐसे, तो यही हो रहा है ना यहाँ पे। थोड़ा सा और अंदर ले जाएंगे इसको, जिससे बिल्डिंग से होता हुआ लगेगा, और फोकस डिस्टेंस हमेशा याद रखना, मतलब जब अभी तो ये मैं ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, तो जब अपना कोई काम कर रहा हूँ, तो ये हमेशा फोकस डिस्टेंस अपनी अपने सब्जेक्ट, जैसे हमको बिल्डिंग अभी दिख रहा है, दिखानी है, फिर इसके बाद मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे टाइटल आ जाएगा ना, तो यहाँ पे रहेगा मेरा, तो उसी पे रखेंगे हम लोग हमेशा, तो ये रहा, तो लगभग ये। ठीक, थोड़ा सा अगर रोटेशन चाहिए तो रोटेशन भी ले सकते हो यहाँ पे, ZX रोटेशन जी पे, तुम रोटेशन थोड़ा सा और ट्विस्ट हो जाएगा उसमें, लेकिन अच्छा अच्छा लगेगा, क्यों ना लेने वाले को। अभी इसको हम F9 इजी कर दिया, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का सा करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो वैसा देख रहे हो तेज़ी से हो रहा है, तो ये नहीं चाहिए हमको, इसको हटाने के लिए हम थोड़ी दूर कर देंगे, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, है ना। रोटेशन अच्छा नहीं लगा, रोटेशन ना लगाते हैं, रोटेशन नहीं यूज़ हुआ है वहाँ पे, जीरो कर देंगे, वापस से हम इसको F9 कर देंगे, क्योंकि तो वहाँ स्लो ही चलना है, है ना, ये चीज़ हो रही है। देखो, ठीक, ये हो रहा है, और क्या था यहाँ पे,
मनी, तो मनी फिर से ले लेंगे। देखते हैं जिसमें अच्छे से लग रही। हाँ ये अच्छी है थोड़ी। हाँ ये ठीक है, तो हम इसको हटा देंगे, ये थोड़ी छोटी है, ये सही है। हाँ ये काफी अच्छी है, तो इसको हम इतना ले आएंगे बस। इसको 3D कर लेते हैं हम, और इसको हम लोग सेट कर देते हैं पीछे बिल्डिंग के। और देखे रहेंगे, मतलब स्केल वगैरह का देखे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कहीं कहीं पे, क्योंकि 3D में हम मूवमेंट कर रहे हैं तो कभी छोटी पड़ जाती है, कभी बड़ी पड़ जाती है, तो उस हिसाब से हम लोगों को देखना रहता है। अभी मेरा टेक्स्ट नहीं ऐड किया इसमें, तो टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, यूएस स्टील। तो टेक्स्ट हम वही कॉपी कर लेंगे पुराना, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, और हम इसको अपने आगे जी एक्सिस मिला के यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। और क्या कर देंगे हम इसको, अब इसको इस वाली लेयर को पेरेंट कर देंगे हम अपने जो कॉन्क्रीट ये टेक्सचर वाला है इस पे। किस लिए कर देंगे, जिससे इसके साथ मूव हो। नहीं ये नहीं है, ये है ठीक, इसके साथ मूव हो। और इस पे भी पोजीशन, इस वाले पे हम पोजीशन पे थोड़ा एनिमेशन करेंगे, जैसे कि पोजीशन ये रही मेरी, क्योंकि इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो रही ना, तो ये पोजीशन मैं इसकी पोजीशन ऐसे रखूंगा जिससे नीचे से ऊपर जाए यहां से, ठीक। जेपी मोरगन है ये हम, तो यहां पे मैं UST लिख देता हूँ, US स्टील। इसको छोटा कर दो, अपने हिसाब से सेट कर लो, क्योंकि यहां पे मैंने सेट कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, तो वो हो गया ठीक। और भी चेंज कर दो कलर थोड़ा सा अगर चाहिए तो, जैसे कि ये कर दिया, नो बेटर। तो और अभी इस पे क्या करेंगे हम, अब इस पे हम लोग थोड़ा सा ट्विकिंग करेंगे, कलर करेक्शन वगैरह, कर्व्स लेते हैं। क्या करते हैं, अपनी बिल्डिंग वाली लेयर पे ऐड करते हैं। क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाएंगे हल्का सा, मतलब मिट RGB की मिट्टोस, और येलोइश थोड़ा ब्लू अगर हम कम करेंगे तो मेरा येलो ऊपर आ जाएगा, तो ब्लू मतलब RGB का सेम है के, जैसे कि अपोजिट होता है ना अपोजिट कलर में, तो ग्रीन जैसे हम कम करेंगे तो रेडनेस बढ़ेगी, तो रेडनेस थोड़ी चाहिए हमको, ज़्यादा नहीं, हल्की सी बस है, इतना फर्क पड़ेगा। और रेडनेस हम हल्की सी इसमें बढ़ाएंगे तो ऐसे कम करेंगे, तो लगभग ये हो गया। आप क्या करेंगे, इसके पीछे हम ड्रॉप शेडो या ग्लो ऐड कर सकते हैं, ग्लो हम लेकिन ऐड करेंगे। ग्लो ऐड करके क्या करेंगे, इस पर ग्लो थ्रेशोल्ड बढ़ा देंगे ज़्यादा सी 100, और ग्लो रेडियस फिर बढ़ा देंगे, तो इसके पीछे एक डेप्थ सी, थोड़ी सी दो डेप्थ होती है हमारी, वो आ जाएगी। तो देखो है ना, अभी कर्व और ग्लो अगर हम बंद करें तो ऐसी थी, और इसके बाद ऐसी हो गई ठीक। तो एक्स्ट्रा टेप है, एक्स्ट्रा चीज जो कि इसमें नहीं है। तो अभी इसके बाद मेरी जो मनी वाला था, इसमें भी हम यही करेंगे, इसी के कर्व्स और ग्लो कॉपी करके इस पे हम पेस्ट कर देंगे ठीक। पेस्ट कर दिया तो उसको, उस पे भी टेक्स्ट वो थोड़ा सा करेक्शन, येलो टोन आ गई। और इसके पीछे हम क्या करेंगे, सिर्फ ग्लो ऐड करेंगे, कलर करेक्शन भी हो गया, कलर का कर्व वाला बंद कर देंगे, कर्व भी ऐड रखते हैं कर्व, क्योंकि हमको वहाँ ध्यान नहीं दिया मैंने। कर्व ऐड करने से क्या रहेगा, मेरा जो ये सारी थीम है ना, वो एक एक जैसे मैच करेंगी, जैसे कि ये ब्लूइश थोड़ा था, ब्लूइश हमको कम करना है, तो ये हो गया, अभी ये मेरा फाइनल हो गया। तो इसकी ट्रांजिशन खोल देते हैं, तो मेरा कुछ ऐसा ही बन गया। अभी
पीछे देखें तो मेरा कितना बन गया, ट्रांजिशन सारी खोल दी और अभी हम इस पे, यहां पे मैंने नहीं किया जो कि मुझे यहां करना चाहिए था, जैसे कि मेरा इस पे हम कर्ल्स और डेप्थ ऐड करने के लिए ग्लो और वो याद करेंगे, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है हमेशा। जब थोड़ी सी कलर करेक्शन का हम हर एक लेयर पे हल्की हल्की करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। इस पे भी वही पेश कर देंगे तो मेरी फर्क पड़ गया, देखो काफी पहले से देखो ऐसी भी नॉर्मल सटल लग रही थी। अब इसके बाद डेप्थ जब आएगी तो अच्छा लगेगा। तो मेरा कितना बन गया, ये होगा ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी एनिमेशन धीमी हो गई है तो मेरा की फ्रेम आगे पीछे कर देंगे हल्का सा, जिससे स्पीड मिलेगा क्योंकि फास्ट पेस है उनकी एडिट। है ना, ये चीज आ रही है तो ये आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हो गया ज्यादा, इसको कम दिखाना था यहाँ पे, फिर ये हो गया ठीक। अभी अच्छा लग रहा है तो मेरा ये इतना बन गया। अब इसके बाद मेरा ट्रांजिशन, फिर उसके बाद फायर है पीछे, क्या हो रहा है ट्रांजिशन फायर, ये हो गया। अभी इन्होंने क्या किया था यहाँ पे, एक चीज है USD लिखा हुआ है इसके ऊपर कवर आ रहा है तो ये भी कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या करेंगे, ये मेरा वाइट है ठीक, इसको हमने डबल कर लिया और इस पे हमने अपना ट्रांजिशन, जो मेरी टेक्स्ट ट्रांजिशन है, एनिमेशन कंपोजर जिसको पता होगा वो आ जाता है, नहीं पता है तो एनिमेशन कंपोजर अपनी इंटरनेट ब्राउजर किसी भी क्रोम है जिप्स जाओगे वहाँ पे एनिमेशन कंपोजर नहीं होगा, पता चल जाएगा उसके बारे में क्या है। तो प्लग इन है नॉर्मली हमारा आफ्टर इफेक्ट का, तो क्या किया हमने, डुप्लीकेट कर दिया और उस पर हमने टेक्स्ट प्रीसेट लगा दी, इस पर टाइपिंग वाला टेक्स्ट प्रीसेट। फिर क्या किया हमने, नीचे जो लेयर थी उसको हमने, इसको हाइट कर लो, नीचे की लेयर पे हमने वाइट लगा दिया, सिर्फ वाइट, और इसको हमने इतना कर दिया। तो देखो इसको हाइट कर दिया मैंने ये, अब देखना पहले ही हो जा रहा है, धीमा हो गया बहुत, है ना ठीक है, वो चीज हो गई। और यहाँ पे मोशन ब्लर जब ऐड होगा तो वो सेम मैच का हो जाएगा पूरा। तो ये हो गया, तो मेरा ये कंप्लीट। इनमें थोड़ा सा बड़ा है तो बड़ा भी हम कर सकते हैं, इसको बड़ा चाहते हो तो इसको बड़ा कर दो, दोनों को इतना बड़ा कर लो अपने हिसाब से। तो मेरा ये बन गया ठीक। ये हो गया, अब इसके बाद मेरा ट्रांजिशन फायर और ये ठीक, तो ये भी कर लेते हैं। तो ये फिर यहीं पे ही स्टील होते ही खत्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये डिलीट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजिशन लगा देंगे, ट्रांजिशन जिसमें ये, तो मेरी ट्रांजिशन ये हो गई। अब इसके बाद ट्रांजिशन के बाद फिर से हम जो हमने बैकग्राउंड हेड किए थे पिछले स्टेप में उसको हम इन कर लेंगे, मतलब वापस से विजिबल कर देंगे कट करने के बाद। तो मेरे ये विजिबल हो गए। अभी ये विजिबल यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो लेयर है वो ऊपर पड़ी हुई है। इसका क्या करेंगे हम, स्क्रीन, इसकी ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देंगे। अब ये यहाँ पे चाहिए हमको नहीं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुमको ऐसा बैकग्राउंड चाहिए तो ब्लैक रखो। तो यहाँ ये भी हम करेंगे, क्या करेंगे, पीछे जो ब्लैक चाहिए
तो वापस से हम आईडी कर लेते हैं क्योंकि ब्लैक ही है वहाँ पे, ज़्यादा बोटिंग ना लग जाए, तो हम यहाँ पे नॉर्मल इसको यही अपना। अब क्या करेंगे इसके बाद, फायर जो होंगी फायर यूज़ कर लेंगे हम अपना। ये रही मेरी फायर, इसको हम 3D करेंगे, ये ब्लैक में है तो इसको ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेंगे, स्क्रीन करने से इजीली हट जाएगा। 3D स्पेस में थोड़ा सा आगे ले आएंगे इसको इतना। फिर क्या करेंगे हम, अपनी जो मनी है उसको लाएंगे यहाँ पे। ठीक, ये किया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है, नॉर्मल हम इसको 3D किया। अब क्या करेंगे, इसको इनमें जो आ रही है, तो मेरी जो इनकी डॉलर्स है, वो तो डॉलर्स कुछ ऐसे हैं, उस कैसे हैं दिखाता हूँ मैं। डॉलर्स थोड़ा सा ओरिएंटेशन उनका कुछ ऐसा है, ऐसा एक्स एक्सिस में थोड़ा सा ऐसा लेटा हुआ है ना, देख रहे हो ऐसा लेटा हुआ है। और क्या ऐसा है, इस साइड का इस साइड है ऐसे ऐसे है ऐसे करके ऐसे। तो इसको हम कुछ ऐसा कर लेंगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। तो मैंने ऐसे इसको कर लिया। अब ये मेरा, मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा हम पीछे भेज देंगे थोड़ा सा, और इसको हम एक्स एक्सिस में पीछे भेज देंगे। ठीक, तो अभी थोड़ी देर के लिए हम फायर वाली लेयर अपनी बंद कर देते हैं सबसे पहले, और ट्रांजिशन की बंद कर देते हैं सबसे पहले। हम इसको फिट कर लें अपने हिसाब से। इस पे क्या करेंगे हम अपनी, सॉरी इसको बीच में रखना पड़ेगा, इस पे हम टाइल यूज कर लेंगे, मोशन टाइल। अरे एक्सिस और वाई एक्सिस हाइट और विड्थ में हम इसको ऐसे एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा एक्सपेंड करोगे तो वो कट जाएगा है ना, तो ऐसे एक्सपेंड करना कि बहुत भी ना हो और ज्यादा भी ना हो ना, तो रेंडर करने में फिर दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। तो कुछ ऐसे हम ये चलाएंगे इसको। अब जिसके मेमोरी ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना बढ़ा सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको, मेरे में इतनी इस मेमोरी नहीं है या वी रैम नहीं है जितना मैं इसका रेंडर ले पाऊँ, मेरा बैठ जाएगा पीसी। तो हम इसको कुछ ऐसा, अब जिसके में नॉर्मली जिसका तगड़ा पीसी होगा तो वो ऐसा करेगा, ऐसे रख लोगे और इसका जो हाइट है बढ़ा दोगे ऐसा, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसको थोड़ा सेट कर लोगे अपने हिसाब से ऐसे। ठीक, ऐसे ऐसे करके तो तुम इसको ऐसे चला दोगे, ठीक है ना, तो तब तो वो अच्छा लगेगा। इसको इतना चलाओगे कि तुम्हारा ये बढ़ जाए, ये चीज़ है ना, ये तुम्हारी ये जितनी एजेस है ये इस पे ना दिखे, तो तुम ऐसे चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे, मेरे में रेंडर ही नहीं होगा ये। तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, इसको ऐसे टिल्ट कर लिया जिससे, क्योंकि नॉर्मल जो डॉलर है मेरा चौड़ा है वो, तो ऐसे कम कम हाइट और विड्थ में मेरा काम हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे रख लूंगा इतना, हाइट थोड़ी कम कर दूंगा इसकी, इतनी कर ली, आगे बढ़ा लिया इसको मैंने, ठीक ये बढ़ा लिया, कुछ ऐसा ये एनिमेशन चलता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा फिट बढ़ा, थोड़ी सी हाइट, हल्की सी हाइट बढ़ा दूंगा इतनी। अब जितनी हाइट बढ़ाओगे उसी हिसाब से तुम्हारा कट जो आएगा कट लग जाएगा। जब इनके में क्या है,
ये इस हिसाब से कट नहीं है यहाँ पे। तो बेटा ये सेट हो गया, अब हम अपनी फायर को सेट करेंगे। फायर मेरी सेट यहाँ पे है। थोड़ा सा दिक्कत हो गई क्योंकि इनके में थोड़ी सी जो डॉलर है पास में है, मेरे में डॉलर ज़्यादा बढ़ गए, तो उसको भी मैं सेट कर लूँगा। जैसे कि मैंने थोड़े से ऐसे सेट कर दिया इसको, ये सेट हो गए और बस ये। अभी सही है, अभी वहाँ भी सही लग रहा है। वो सेट करने पे कैसा सेट करते हो? अभी मेरा यहाँ पे इसका भी सेटिंग हो गई सही से फायर की, तो ये हो गया। और अगर तुमको थोड़ा सा इसको इसके साथ क्या करना है, ब्लेंड करना है, मतलब इसी के साथ मिल जाए तो कर सकते हो इस पे, फायर पे, फायर के नीचे मास्क कर दो। मास्क करके इसका मास्क फेदर जो है उसको बढ़ा दो, इन्वर्ट कर दो और बढ़ा दो, ठीक ऐसे कुछ, और अपनी पोजीशन इसकी आगे ले आओ। तो तुम्हारी जो होगी ये जो इसकी तो देखो जो ये फायर हुई ना, ऐसे इसके यहाँ पे पास में देखो एकदम कर यहाँ पे, तो देखो इससे मैच कर रही है वो चीज़, ठीक है ना। तो यही चीज़ चाहिए हमको, इसकी बस एज ना दिखे हमको, तो ये चीज़ हो जाएगी ऐसे मास्क से बस, ठीक ये हो गया मेरा। अभी इसका थोड़ा सा इसको ट्विक करेंगे जिससे इसकी हाइलाइट्स बढ़ जाए, रेडनेस जो है रेड पे जाएंगे, रेड चैनल पे हाईलाइट बढ़ा देंगे तो हाईलाइट बढ़ गई, ब्लू को हम कम कर देंगे जिससे येलोनेस बढ़ जाएगी थोड़ी सी, तो ये हो गई ठीक। अभी काफी बेटर लग रही है ठीक। ये मेरा यहां आ जाएगा, या ये हो गया। अब इसके बाद रहा मेरा ये मॉडल जो मैं सेलेक्ट करूंगा अपने हिसाब से, जो इसमें लगाना होगा उसको मैं 3D कर लूँगा। इसको मैं ऊपर अपने हिसाब से ले आऊँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले आया। अब देखो ये कट रहा है यहाँ पे, ऐसे बीच में कट रही होगी, ये ओवरलैप हो रही होगी, मैंने क्या कर रखा है देखोगे अगर, तो ये ऐसे ऐसे कुछ लगा दिए मैंने, जो अपनी नोट की गड्डियाँ कुछ ऐसे लगा रखी हैं ठीक, तभी ये ऐसे कर रहा है। कुछ ना करो इसको, जो ये तुम्हारा टैलेंट मतलब मॉडल है इसको ऊपर ले आओ थोड़ा सा, मतलब हाँ देखे रहो कि तुम्हारा ओवरलैप ना हो, बस बस इतना करना है। ये यहाँ पे कर दो, तुम्हारा ये इतना हो बन गया ठीक, ये बन गया। इसको यहाँ से कट कर दो और देख लो अभी इन्होंने क्या किया है। कुछ ऐसा है, तो इनके में ऐसे हाथ नीचे हैं, क्या कर सकते हो इस पे पपट टूल यूज कर सकते हो, क्या करेंगे उसमें पपट टूल के लिए पपट, ये क्या हो गया
पपेट टूल में मेरा सिर्फ क्या होगा, आर्म मूव होगा। तो की फ्रेम मेरी लग जाती है, जब पपेट टूल यूज करते हैं तो उसको पीछे कर देंगे, क्योंकि मेरे पोजीशन मेरे वापस वहीं पे लानी है। तो सिर्फ हम पूरी इशू सेलेक्ट वर्किंग है, ये हो गया ठीक काम। और ये काम मैंने ये कर दिया, और इसको थोड़ा सा हल्का नीचे कर दोगे जिससे तुम्हारा वियर्ड एनिमेशन ना बने। तो देखो कुछ ऐसा, ठीक है ना, तो एनिमेशन कुछ मेरा ये ऐसा बन जाएगा जिसमें जैसे चिरप हैवी जिम कर रहा है भाई, ठीक है ना, ये ऐसा। हम इसको दूर कर दो थोड़ा सा, तो कुछ ये ऐसा ऐसा एनिमेशन बन जाएगा यहाँ पे। यहां से ये बनाया था पहले हमने, ये सीखा, और ये फिर ये, अभी इसको हम पूरा कर देते हैं पहले, तो इसको हम लोग पूरा करना रहेगा। इसको पूरा करने के लिए हम यहां पर ये फ्रेम बनाया, यहां पर ये फ्रेम बनाया, और यहां पे क्या हो रहा है मेरा देखते हैं हम। तो मेरा ये कुछ ऐसे जी एक्सेस मूव कर रहा है, तो कर देते हैं वही जी एक्सेस मूवमेंट, कुछ मेरा ऐसा ऐसा मूवमेंट है, ठीक। तो मेरा ये मूवमेंट हो गया वही, हो गया ट्रांजिशन अपनी दिखा दो, और मेरा फाइनल मेरा बना, फाइनल मेरा राड ये ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो मेन मेरी जो मेन इसकी क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट प्रोडक्शन जो तो होता है, जैसे कि विग्नेट इफेक्ट हो गया, थोड़ा सा पंचीनेस लाना इमेज में, तो वो हम प्रीमियर पे करते हैं लास्ट में, कलर करेक्शन के टाइम एकदम लास्ट में, जिसमें लास्ट की जो पे करते हैं, तो वो बाद में जब पूरा ये एक हम लोग इसको थोड़ा सा बना लेंगे, जितना पार्ट टाइम लोगों का कितना बनाना है इसमें, हम लोगों को इतना बनाना है, तो ये तब बना लेंगे, तो उसके बाद हम लोग करेंगे उसको प्रीमियर पे। तो मेरा ये हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बनाते रहो।